कितना देखो ये आएगा? 20 mm का है, शासन इसको सब्सिडी भी देता है, जी ये दोनों को भी सब्सिडी देता है। जी ये ड्रिप इरिगेशन के डॉक्यूमेंट्स है, खाली 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जी एक खाते उतारा, जी जमीन की खतौनी, हाँ खतौनी बोलते हैं, एक साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडियन फार्मर चैनल में। दोस्तों आज का सीन कुछ ऐसा है कि देखिए, आप हमेशा मुझे कमेंट करते हैं कि संतोष भाई हमें ड्रिप इरिगेशन का खर्चा बताओ, कितना सब्सिडी कैसे मिलती है, कैसे निकालनी है उसको। तो दोस्तों आज हम पूरी डिटेल लेने वाले हैं, आज हम सीधा शॉप पे आए हैं, यहाँ पे देखेंगे कि ड्रिप में खर्चा कितना होता है, कौन कौन तरीके की ड्रिप्स होती है और सब्सिडी कैसे निकाली जाती है। दोस्तों आपको चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। तो आज हमारे साथ जो है हनुमंत श्रीरंग माली सर जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इंडियन फार्मर चैनल में। ओम सहारा। सर हमें सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ड्रिप इरिगेशन हमारे भारत में तो अभी यूज़ हो रहा है लेकिन उतने पैमाने पे नहीं यूज़ रहा है, तो थोड़ा हमारे जो व्यूवर्स है, हमारे किसान भाई हैं, तो उनका थोड़ा सा ये बताइए कि ड्रिप इरिगेशन का महत्व क्या है खेती में। देखो ड्रिप इरिगेशन के दो टाइप्स रहते हैं जी, पहला फ्लड लेवल और दूसरा ड्रिप इरिगेशन। जी फ्लड लेवल से क्या होती है कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा रहता है, ज़्यादा पानी दे देते हैं, आपके हिसाब से आपको लगता है कि ज़्यादा पानी देंगे तो ज़्यादा फसल आएगी और ज़्यादा फसल आएगी तो ज़्यादा मुनाफा होगा, लेकिन ये गलत है। अच्छा, वो जो फसल को जितना चाहिए पानी उतना ही देना अच्छा रहेगा, उसको जितना चाहिए खाद उतना ही देगा तो ही अच्छा रहेगा। ज़्यादा खाद डालने से भी ज़मीन खराब होती है, वैसे ही ज़्यादा पानी डालने से भी ज़मीन खराब होती है, बाद में हमारे बच्चे को ज़मीन नहीं मिलेगी। हाँ, तो जब ड्रिप इरिगेशन की बात आई है तो ये सब भारत देश को अच्छी तरह से वो फसल उगाने, एक्सपोर्ट करने, हमारे या भाई बहनों का सबका पेट वहाँ पे चलता है, यानी 70% जमीन वो खेती पे आधारित है। तो सर हमें ये भी बताइए कि हमारे भारत में जो है, मतलब ये इरिगेशन जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे तो यूज़ नहीं हो रही, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पे आई, फिर बढ़ने लगी? देखो भारत में पहले इरिगेशन के पहले भी, ड्रिप इरिगेशन के पहले भी, यहाँ के जो फार्मर है वो इरिगेशन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे कर रहे हैं? अच्छा, जो छोटी छोटी पीवीसी पाइप रहती है, हाँ रहती है, हाँ, उसको होल लगा के जहाँ पौधा है उसके नीचे वो रख देते थे। अच्छा, दूसरा बार आया वो डिफ्यूजर। अच्छा, मालूम है? हाँ, तो डिफ्यूजर क्या रहता है कि मटका है, मटका रहता है ना, हाँ, वो मटका पौधे के नीचे रख के हाँ, उसमें पानी डालते थे। ऐसे भी चलता, हाँ, ऐसे भी चलते। बाद में इसराइल में 1978 से 1978 में, हाँ 1978 में क्रांति हुई और इसराइल से वो रेती की खेती है ना उधर, हाँ जी, हाँ, तो वहाँ से हमारे यहाँ वो ड्रिप इरिगेशन आ रहा है। अच्छा, जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड, इसके हम अधिकृत वितरक है साईनाथ कृषि विकास केंद्र। 1997 में मैंने ये एजेंसी ली है, वहाँ से आज तक अच्छा, हम यही ड्रिप इरिगेशन का बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस खेती में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, इस 20 साल में मैंने देख रहा हूँ। जब पहले हम किसान भाइयों को जाता था गन्ने के फार्मर के पास और उसे बोलता था कि अरे भाई ये ड्रिप इरिगेशन है लगा दो, अच्छा कम पाई खर्चा आएगा, जी, कम पानी लगेगा, हाँ, शासन सब्सिडी दे रहा है, हाँ जी, वो हमें भगा देते थे। अच्छा, बोलते थे ऐसा कोई नहीं होता, गन्ने को तो ज्यादा पानी लगने से ही ज्यादा मुनाफा आता है। अच्छा, लेकिन अभी नहीं है, अभी यहाँ के फार्मर समझ चुके हैं कि खेती क्या है और कौन से पौधे के लिए कितना पानी चाहिए, कौन से क्या बोलते हैं फसल को कितना पानी चाहिए। देखो ड्रिप इरिगेशन के फायदे जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, इससे सब कुछ बच सकता है और उत्पादन भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अच्छा, हम फ्लड से पानी देंगे तो कम से कम 1 एकड़ को पानी देंगे जी, एक घन पूरे दिन में, जी दिन लग जाता है पूरा, हाँ, तो इससे ड्रिप इरिगेशन कराएंगे तो कम से कम 3 एकड़ तो आराम से चल सकता है इतने उतने ही पानी में। 5 HP की मोटर लगा दो, 1 एकड़ का ड्रिप हो जाएगा और जैसा चाहे वैसा ड्रिप लगा देंगे, कोई बात नहीं है। सर अब हम मुद्दे पे आते हैं, अब हमें ये बताइए कि ड्रिप इरिगेशन में कौन सी इरिगेशन, कौन कौन से टाइप रहते हैं और वो कहाँ पे यूज़ करना चाहिए और उसमें खर्चा कितना आता है? हाँ देखो इरिगेशन में बहुत सारे प्रकार है जी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार तो
ये चार प्रकार ज्यादा रहते हैं। अच्छा देखो ये लेटरल है, इस पे ड्रिपर लगा चुका है जी। दूसरा ये इनलाइन है जो शासन इसको, ये दोनों को भी शासन सब्सिडी देता है। ये दो को सब्सिडी मिलती है। हाँ आउटलाइन वो ISI मार्क है। अच्छा हाँ ये दोनों को। देखो ये तीसरा प्रकार है, ये टर्बो स्लिम बोलते हैं इसको। अच्छा इस चीज को टर्बो स्लिम बोलते हैं, इस पूरी चीज को। हाँ अच्छा। और ये इनलाइन आपको गन्ने के लिए, कपासी के लिए, शिमला मिर्च के लिए ये ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हैं। अच्छा लगा सकते हैं। हाँ और इसमें क्या रहता है कि आपको चाहे जितने फुट पे ड्रिपर चाहिए उतने फीट में लगा के कंपनी देती है। ये 30 सेंटीमीटर में आता है, 40 सेंटीमीटर में आता है, 50 सेंटीमीटर आता है और 60 सेंटीमीटर में ये ड्रिपर है ना। हाँ, ड्रिपर अंदर पानी गिराता हाँ, है ये। पानी गिराता अंदर बटन बैठता है। हाँ आप बीच में अंदर बटन बैठाया है वो लगाते हैं। ये चार प्रकार के ड्रिप इरिगेशन होते हैं। या कोई गोल ड्रिपर भी आता है जी। लेकिन ये इनलाइन ही में ही चलता है। अच्छा तो पहले तो हम आउटलाइन से बात करते हैं। हाँ दोस्तों अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी और चाहिए कि ये आउटलाइन इनलाइन को और आपको खोद खोद के जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको हमारा वीडियो है इसके बारे में और इसके फिटिंग के बारे में भी है। अभी तो हम इसके खर्चे के बारे में दोस्तों बात कर रहे हैं। तो ये आउटलाइन का यूज़ है कहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए और इसमें खर्चा कितना आता है, पूरा असेंबली आप मुझे बताइए। देखो ये जो लेटरल है वो क्लास 2 की लेटरल है जी, 16 mm की। अच्छा 16 mm की है ये। हाँ इसमें दो प्रकार आते हैं, 16 mm और 20 mm। हाँ तो 16 mm लेटरल रहेगी तो इसकी लंबी कम से कम वन साइड 400 तो 500 लीटर पानी जहाँ जरूरत होती है उसको 16 mm लगाते हैं। उससे ज़्यादा 700 लीटर पानी तक ये 16 mm लगाएंगे। अच्छा हाँ ये ड्रिपर्स है, ये 8 लीटर का, ये 14 लीटर का है और 4 लीटर का, 2 लीटर का अलग ग्रीन हाउस में भी आता है जिसको जहाँ पे जैसे सेट करना है। हाँ अगर ये लेटरल मान लीजिए ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है, 16 और 20। हाँ 16 और 20 का यूज़ होता है। क्या करना पड़ता है ये लेटरल को बीच में होल लगाने का और ये ड्रिपर जहाँ चाहे आपको फिट करने का हो गया फिट। उसमें ज्यादा कोई टेक्निक नहीं है। तो मान लीजिए किसी के अमरूद की बगिया है, अनार की है या आम की है तो मतलब ये लैटरल वहाँ पे फिट करके वहाँ पे चला सकता है। देखो पहले PVC पाइप लगाना है, सब लाइन जिसको कहते हैं। सब लाइन उसमें क्या रहता है कि हम बावड़ी से पानी वहाँ तक लाते वो 3 इंच में आता है जी जी, वो मेन लाइन। लेकिन वो कैसा रहता है कि उसको प्रेशर नहीं लगता, प्रेशर के वास्ते उसे 2.5 इंच करना पड़ता है, 2 इंच करना पड़ता है मेन सब मेन। तो सब मेन 2 इंच का रहेगा वही अच्छा रहेगा आपके हिसाब से। दूसरा प्रकार ये है कि लेटरल, उसको लेटरल वाल भी लगा के ये लेटरल फिट करने का, जहाँ चाहे वही ड्रिपर फिट करने का। आम हो, अंगूर हो या संतरा हो, मौसम्बी हो या बनाना हो, अभी बनाना को बहुत सारा लोग काम कर रहे हैं बनाना। अच्छा एक एग्जांपल मुझे बताइए, मान लीजिए जो बनाना है केला की बगिया है हाँ। वो अगर आदमी 10x10 पे लगाना चाहते हैं तो टोटल कितना खर्चा आएगा ये? देखो बनाना तो 10x10 नहीं लगा सकते। अच्छा हम आम 10x10 लगा सकते हैं। अच्छा 10x10 लगाएंगे तो खर्चा कम आएगा इसका। 25,000 तक आराम से लेटरल ड्रिपर, PVC पाइप, फिल्टर, वाल और वेंचुर भी, ये वेंचुर है वो भी इसमें आ जाएगा, सब कुछ फिटिंग मटेरियल आ जाएगा। अच्छा 10x10 में अगर लगाते हैं, अगर उससे थोड़ा कम आते हैं तो? जब अंतर कम करेंगे तो खर्चा थोड़ा, लेटरल थोड़ा ज्यादा लगेगी। हाँ ड्रिपर ज्यादा लगेगा और खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ेगा मतलब एरिया जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से खर्चा आपका बढ़ता जाएगा। मतलब एक एवरेज खर्चा इसका बताइए लेटरल का, अगर किसी की आम की फसल है वो करना चाहता है तो कितना आएगा एवरेज? हाँ देखो ये लेटरल है ना, इस पे लिखा है 5 फुट पे 5 फुट लगाएंगे तो सब कुछ मिला के फिल्टर, लेटरल, ड्रिपर, पाइप्स वगैरह मिला के 40,000, लगभग 40,000 तक आ जाएगा 5x5 पे। हाँ अच्छा 6x6 मीटर पे लगाएंगे, 6x6 फीट पे लगाएंगे तो 35,000 आएगा एक एकड़ में, एक एकड़ 30,000 से 40,000 लेटरल का। हाँ और 10x10 यानी आम को, संतरा को इसको लगाएंगे 10x10 फीट पे तो इसका खर्चा 30,000 तक आ जाएगा। 30,000 तक आएगा। हाँ मतलब आपके फसल करने के ऊपर दोस्तों ये डिपेंड करता है कि इसमें खर्चा कितना आएगा। हाँ जो डिस्टेंस रहता है उसमें खर्चा कितना आएगा वो। और ये लेटरल जो है लंबाई में कितना बिछा सकते हैं? देखो ये ड्रिपर्स है,
ये जो पोमोग्रेड यानी डालिम को लगा देंगे अनार को तो वो अनार को बहुत कम लगते हैं। अच्छा, लेकिन उसको डिस्चार्ज है ना वो 14,000 लगता है, 14 लीटर पानी लगता है। 14 लीटर पानी। वो अनार के बीच पौधे को रखकर दोनों साइड को ये दो ड्रिपर लगा देंगे तो 14 × 28 लीटर पानी लगाएगा। तो एक साइड में कम से कम 15-16 झाड़े लग सकते हैं। 15-16। मतलब ये है कि आप इसको आपके एरिया के वाइज डिपेंड करता है कि आपको लेटरल मतलब लगा सकते हैं, डिस्चार्ज लगा के देख सकते हैं। अब हम दूसरा जो आता है इनलाइन आता है, ये कॉमनली ज्यादातर यूज किया जाता है। इनलाइन 16 mm और 20 mm मैं भी यूज करता हूँ, तो इसका भी खर्चा हमारे लोगों को बताइए 16 mm का और 20 mm का कितना है। देखो ये 20 mm का है, शासन इसको सब्सिडी भी देता है, ये दोनों को भी सब्सिडी देता है जी। तो जो खर्चा आएगा उसे 50% या 70% कहीं कहीं राज्यों में तो 100% भी 90% शासन खर्चा दे रहा है। अच्छा, क्योंकि इरिगेशन का कोई ज्यादा लाभ नहीं उठा रहा है शेतकरी, वहाँ में 100% सब्सिडी दे रहा है प्रोत्साहित करने, प्रोत्साहित करने के लिए बराबर। तो वहाँ के लोगों को खाली बिठाने का खर्चा जितना आता है उतना ही देना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ 50% 70% तक खर्चा महाराष्ट्र सरकार सब्सिडी दे रहे है उसपे। अच्छा, देखो ये इनलाइन रहते हैं जी, ये बीच में ड्रिपर दिखता है। हाँ, ये ड्रिपर तो रहता है। कंपनी आपको 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर तक जितना चाहे उतना 100 सेंटीमीटर तक वो ड्रिपर्स लगा के देते हैं। ये ड्रिपर्स भी ये येलो पट्टी में देखो ये ड्रिपर्स भी 2 लीटर के 4 लीटर के ऐसे रहते हैं। तो गन्ने की खेती के लिए हम यहाँ 50 सेंटीमीटर का यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा। मतलब एक ड्रिपर जो है 50 सेंटीमीटर दूसरे फिर 50 पे इस तरीके रहेगा। इसमें मतलब अलग अलग मतलब 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक अलग अलग रेंज आते हैं, उसके रेट भी अलग अलग है, अलग अलग रहते हैं। अच्छा, इसका 16 mm का मान लीजिए 50 का है ना। हाँ, तो इसका क्या रेट है अभी एक एकड़ में 16 mm का पकड़ेंगे तो 40,000 में पीवीसी पाइप आएगी, लेटरल्स आएगी, इनलाइन वाल्स आएंगे, फिल्टर आएगा, विंचुरी आएगी। ये विंचुरी खत के लिए रहते हैं। हाँ, ये भी खाद सोड़ने के लिए मतलब 40,000 में पूरा ये सेटअप आएगा। ये लगभग 40,000 लगभग मतलब ऊपर नीचे हो सकता है जो भी हो, ट्रांसपोर्टिंग वगैरह मान लीजिए किसी एरिया में जीएसटी वगैरह हिसाब लेके थोड़ा 40-45। खेत पे डिपेंड्स रहता है, आपकी खेत की लंबाई ज्यादा होगी तो खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा। हाँ, कि लंबाई हम चौक रहेगा तो खर्चा कम आएगा। मतलब एक एकड़ में जैसे कि 43,560 स्क्वायर फीट रहता है एक एकड़ में, तो मान लीजिए किसी का खेत लंबा है तो वहाँ पे सब लाइन ज्यादा लगेगी तो वहाँ पीवीसी का खर्चा बढ़ जाएगा आपका कहना। हाँ, और लेटरल का पीवीसी खर्चा बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा ही वहाँ पे। देखो ये इनलाइन 16 mm का 4.5 फुट पे लगाएंगे तो 16 mm का 45,000 आएगा जी। 20 mm लगाएंगे तो उसी स्टेप से 50,000 तक खर्चा आएगा। अच्छा, मतलब 20 mm में जो है खर्चा 5,000 बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन 20 mm क्या रहता है, 16 mm और 20 mm में फर्क क्या है पहला समझ लो जी। कि 175 फीट तक ये 16 mm चलती है। मतलब ये जो 16 mm की ड्रिप इरीगेशन है ये येलो येलो वाली जेन इरीगेशन, ये 175 फीट तक इसको बिछा सकते हैं एक साइड में। लेकिन उसे ज्यादा थोड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो 20 mm लगा देंगे। 20 mm से 300 फुट तक ये चलता है। मतलब अगर मान लीजिए तिरछा भी खेत है या सपाट वगैरह है तो 20 mm 300 फीट तक लंबाई में बिछा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, कोई भी खेत में। लेकिन आपके ऊबड़ खाबड़ जमीन होगी तो 25% कम करना चाहिए ना। अच्छा, क्योंकि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए किसी का खेत ज्यादा ऊपर नीचे है, तिरछा मिर्चा है, तो वहाँ पे हम लोगों को सबलाइन को एडजस्ट करके सबलाइन अंतर कम करना चाहिए। हाँ, जो डिस्टेंस डिस्टेंस कम करके इस पाइप को तब बिछाना चाहिए। हाँ, तब दोस्तों ये जो बराबर पानी गिरेगा मतलब ये हुआ, मतलब इसको 16 mm में 40,000 खर्चा होगा और 20 mm में 45,000 से 50,000 तक खर्चा होगा। अब इसके बाद कौन सी आती है, दोनों ISI है। देखो हाँ, ये दोनों ISI है, इसके शासन सब्सिडी देते हैं 50%, तो हम महाराष्ट्र में 70% तो सब्सिडी मिल रही है। उसके बाद आता है वो क्लास 1 लेटरल। अच्छा, यानी ये ब्लू पट्टा वाला। तो ब्लू पट्टा वाला ये क्लास वन है, इनलाइन ही है, अंदर ही बटन रहेगा, ड्रिपर इसके अंदर है। अच्छा, ये क्या है पहला समझ लो जी, बताइए। खर्चा उतना ही आएगा लेकिन उससे कम आएगा, इसका सब्सिडी नहीं मिलती है।
अच्छा, लेकिन ये 3 साल की गारंटी इरिगेशन जेन इरिगेशन दे रहा है और 10 साल तक इसकी आयु है। अच्छा, जो आयु ये दोनों की है उतनी ही इसकी है। अच्छा, हाँ, लेकिन इसको सब्सिडी नहीं मिल पा रहा है, क्लास 1 है। अच्छा, वो शासन रिकमेंडेड नहीं कर पा रहा है, गवर्नमेंट इसको अप्रूव नहीं करता, अप्रूव नहीं करता सब्सिडी के लिए। अच्छा, हाँ, तो इसका खर्चा 30,000 तक आएगा। इसका खर्चा टोटल एक एकड़ एक एकड़ 30,000 आएगा। लैटरल फिल्टर ड्रिपर सब कुछ इसमें आता है। ओके, बाद में इसके बाद में आता है टर्बो स्लिम, ये चपटी वाला पाइप। ये देखो, एक बहुत सारा मजबूत है लेकिन स्लिम और स्लिम रहती है, लाइटवेट, सस्ता करने के लिए। सस्ता करने के लिए ये जेन इरिगेशन का ही है और इसका खर्चा 20,000 तक आराम से आता है। फिल्टर, पीवीसी पाइप, लैटरल ड्रिपर, वेंचुरी सब कुछ एक एकड़ तक 20,000, 4.5 फुट पे। मान लो कि 5 फुट पे लगाएंगे तो 20 से कम आएगा, और 4 फुट पे लगाएंगे और थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, बढ़ा जाएगा तो खर्चा 25,000 तक आएगा। इनलाइन मतलब जैसे कि शिमला मिर्च हुआ, हाँ, या फसलें कैश क्रॉप वाली फसलें, इसी में ये यूज कर सकते ज्यादातर। हाँ, इनलाइन जहाँ पे पानी ज्यादा गिराना है, हाँ, वहीं पे कहीं पे पहाड़ी इलाकों में वगैरह यूज कर सकते हैं आराम से। आराम से जो रो पद्धत रहती है, गन्ने की हो, शिमला की हो, टमाटो की हो, कौन सा भी वेजिटेबल की हो, तो उसको रो पद्धति को इनलाइन अच्छी है। लेकिन जहाँ अलग अलग पौधे लगाने चाहते थे तो जहाँ मन हो फ्रूट के लिए, ज्यादातर फ्रूट के लिए ये लैटरल ड्रिपर का यूज करना चाहिए। इससे कम और कम खर्च वाला है वो है टर्बो स्लिम, आखिरी वाला ये 22 mm का है। 22 mm का है ये। हाँ, अच्छा, ये ड्रिपर है 22 mm का है। हाँ, नहीं, ये लैटरल की साइज है, ये 22 mm साइज है, 22 mm का है। और ड्रिपर जहाँ चाहिए वहाँ कंपनी लगा के देती है आपको, 30 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वो लगा के जो चाहिए वो मंगा सकते हैं। ये बहुत सस्ता है। अच्छा, ये 10,000 में एक एकड़ हो जाता है पूरा लेके। नहीं, पूरा फिल्टर और पीवीसी पाइप 5,000 का लगेगा और ये 10,000 की। अच्छा, 15,000 में एक एकड़ आराम से 4.5 फुट पे लगाएंगे तो ये 15,000 में आराम से हो सकता है जी। जिसको सब्सिडी नहीं मिलती, बजट नहीं है, जिसके पास बजट नहीं है वो ये चला सकते, वो से ये चला सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं मार्केट में देखता हूँ, जैसे कि ये आपकी ब्रांडेड हो गई, हाँ, इसके अलावा भी कई सारे मार्केट में ड्रिप होते, क्या वो किसान भाई हमारे यूज कर सकते हैं, लोकल ब्रांड्स आते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसकी आयु कम रहती है जी, और जैसा माल आता है वैसा ही वो गारंटी ले सकता है। वो बात तो है। हाँ, वो बिना गारंटी का माल रहता है और बिना गारंटी का माल ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। और क्या होता है कि एक समझ लो कि कम से कम 10,000 तो एकरी आएगा खर्चा, कोई भी पाइप लगाओ खर्चा दस, हाँ, खर्चा 10,000 तक आएगा, लेकिन वो टिकेगा नहीं ज़्यादा, 1-2 साल में वो ख़त्म हो जाएगा, उसका खराबी हुआ आएगी। तो ये जेन इरिगेशन का रहता है, थोड़ा सा खर्चा, बट जैसा आपको खर्चा करना है उतना, ऐसा ही उसमें प्रकार है वैसे उतना लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोगों ने इरिगेशन में इसमें खर्चा कितना आता है ड्रिप में केवल आज हम लोगों ने देख ही लिया है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि सब्सिडी कैसे मिलेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें लगाएंगे, सर आप हमें बताइए। देखो, ये ड्रिप इरिगेशन के डॉक्यूमेंट्स है, खाली 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जी। एक खाते उतारा जी, जमीन की खतावनी, हाँ, खतावनी बोलते हैं। एक 7/12 जहाँ ड्रिप इरिगेशन लगाना है वही 7/12 लग चाहिए। दूसरा, आपका जो नेशनल बैंक में कौन से भी बैंक में खाता है नेशनलाइज में जी, वो खाता नंबर के पासबुक की जेरोक्स चाहिए जी। और चौथा, आधार कार्ड की, आपके आधार कार्ड की जेरोक्स चाहिए, चाहिए। यानी आपको सरकार जो पैसा देना चाहता है सब्सिडी 50%, 70%, 100%, तो उसी खाते पे आएगी। पहले आपको सारा पैसा लगा के, आपका खुद का पैसा लगा के खरीदना पड़ता है। अच्छा, मतलब स्टार्ट में आपको करना है, उसके बाद सब्सिडी मिलेगी? हाँ, नहीं नहीं नहीं, पहला फॉर्म भरना है। अच्छा, इसका ई ठिबक ऑनलाइन पे, ई ठिबक ऑनलाइन पे जाके ई ठिबक पे ये साइट पे ओपन करके बेनिफिशियरी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आपकी बेनिफिशियरी जो आपकी जानकारी है वो उसमें डाल दीजिए, और आपको जहाँ ठिबक करना है, जो जिस पौधे को करना है वहीं पे एप्लीकेशन करके शासन को एग्रीमेंट कर सकते हैं। बाद में शासन उस पे सम्मति पत्र देगा कि आपको ड्रिप इरिगेशन के लिए सब्सिडी देना है। तो उसके बाद हम ड्रिप इरिगेशन लगा देंगे सब्सिडी का जी। और जितना खर्चा आएगा उनमें से शासन जो निर्भर दे सकता है वो 50% हो या 100% हो, 70% हो, 90% हो,
उतना हमें अनुदान आपके खाते में ड्रिप इरिगेशन करने के बाद एक महीने में उसको बिल जीएसटी का बिल पे लोड कर दीजिए, वही ऑनलाइन पे आपको ऑनलाइन पे लोड कर दीजिए, हाँ, और आपके खाते में पेमेंट आ जाएगा, आ जाएगा। तो सर अब आज हम लोगों ने इसके बारे में टोटल तो बात हो चुकी है, खर्चा सब्सिडी, तो आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आगे चल के हमारा इंडिया में एग्रीकल्चर का फ्यूचर वगैरह कैसे रहेगा, और हमारी जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसके बारे में बताइए। आप इतने दिन से मैं देख रहा हूँ, 20 साल से दुकान चला रहे, क्या अनुभव है आपका? देखो, शासन चाहती है कि फार्मर की स्थिति ज़्यादा पौधा कमे, ज़्यादा फसल उगाए, और सभी का पेट भर के जो रहता है वो विदेश में जाके एक्सपोर्ट करके भेज दे। जी, जी, जी। लेकिन होता है क्या परिस्थिति में, हमारी जो खेती है वो हवामान पे निर्भर रहते हैं। हवामान में बदलाव आएंगे तो फसल में भी बदलाव आ सकता है, जितना चाहते हैं उतना मुनाफा नहीं कमा सकते। अंगूर का ले लो या कोई भी टमाटर का, वेजिटेबल का ले लो, वो बारिश के बाद खराब हो सकता है बारिश में। लेकिन जो समझ लो कि ये सरकार आपको सब्सिडी इसलिए दे रहे कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ और अपना खेत का मुनाफा भी बढ़ाओ, इसलिए आपको सब्सिडी देकर वो ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे कुछ भाई बहन है, फार्मर भाई बहन है, हाँ जी, हाँ, उसके पास उतना पैसा नहीं रहता पहली बार, या ज्यादा खेती होती है दूसरी बार, और सबसे ज्यादा कि वो जूना तरीका जो इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लड़का वो, हाँ, उसमें से वो खुश रहते है, ये उन पर निर्भर रहता है। हाँ, ये बात तो, हाँ। तो फ्यूचर क्या है एग्रीकल्चर का? देखो, अभी तक मेरे हिसाब से 10% ड्रिप इरिगेशन हो चुका है भारत में, पूरे भारत में अभी 10%, खाली 10%, अभी 90% बाकी है। आप 20 साल से देख रहे हैं कि खाली 10% दोस्तों, और भी आगे चल के, हाँ, ड्रिप इरिगेशन बाकी है, और वो सामूहिक खेती आ रहा है, जी जी, हाँ, उससे भी ज्यादा ड्रिप इरिगेशन हो सकता है, हाँ, ग्रुप खेती जो अभी ग्रुप खेती, हाँ, आगे चल के बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो ज़्यादा मुनाफा मिलेगा सर हमारे फार्मर भाई बहन को। जी जी जी। और ये टेक्नोलॉजी भी आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ती जाएगी? और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अभी देखो, इसमें वो ऑटोमाइजेशन आ रहा है, जहाँ भी जाए वहाँ से बटन दबा के खेत को पानी मिल जाएगा उधर। लेकिन वो तो महंगा भी तो है, ये बात, हाँ, थोड़ा महंगा है, इतना महंगा तो हमारे किसान भाई, नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, जिसके पास 5 एकड़ 10 एकड़ फलों की खेती है, जी जी, उसको तो आराम से वो माइक्रो ऑटोमाइजेशन लगा सकते हैं। हाँ। हमारा जैन का ऑटोमाइजेशन लेंगे तो समझ लो कि उसका बेसिक खर्चा 2 लाख आएगा, और जितना एकड़ रहेगा उनमें से सेंट्रलाइजेशन करने के लिए पाइप के लिए 20,000, वहाँ इधर को उधर करके 10,000, यानी 30,000 एकड़ खर्चा आएगा। अच्छा। तो 5 एकड़ को 1.5 लाख रुपए ये हुए, 2 लाख रुपए मेन बेस का हुआ, सैंड फिल्टर, फर्टिगेशन इक्विपमेंट, जी जी जी, कंट्रोलर और इलेक्ट्रिक पार्ट्स आए उसमें, ये सब कुछ मिला के 1-2 लाख में बैठा सकते हैं, और आराम से 5 एकड़ 10 एकड़ खेती कर सकते हैं, और कहीं भी जाके कहाँ से भी पानी डाल सकते हैं, खाद डाल सकते हैं, जैसा हवामान चाहिए उतना भी पानी कम कर सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं, और सभी कुछ वो मोबाइल पे कर सकते हैं ना, खाली बैठे बैठे, हाँ, बैठे बैठे मोबाइल पे, घर पे बैठ के आराम से खेती कर सकते हैं। बहुत इसमें बहुत क्या बोलते हैं इसको, स्कोप है, आगे जाके स्कोप है, आगे चल के बहुत स्कोप है, स्कोप है, स्कोप है। तो मतलब हमारे किसान भाइयों को मतलब आगे चल के टेक्नोलॉजी का भी यूज अच्छे से करना चाहिए, जो मतलब सस्ती वाली टेक्नोलॉजी, मान लीजिए 10,000 का सैंड फिल्टर है तो 2,500 का डिस्क यूज करके भी काम चला है। आपका कहना यही है कि कुछ ना कुछ यूज करके टेक्नोलॉजी से जुड़े रहे हमेशा किसान भाई, तो उसी में फायदा है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सर से बात की है, थैंक यू सर, हम आपके बहुत आभारी हैं कि हमारे चैनल पे आके पूरी डिटेल में आप जानकारी दी। तो दोस्तों, और आपको कुछ सवाल हो तो कमेंट मुझे जरूर कीजिए, और हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद।